सस्ते गल्ले की दुकान। तो जो मैं बता रहा था आपको, ये जो रूट है टनकपुर जौलजीबी प्रस्तावित मार्ग है, जो कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा और नदी किनारे किनारे, तो ये बहुत अच्छा अगर बन जाता है तो फिर हमको लोहाघाट चंपावत पिथौरागढ़ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर बन जाता है तो इन फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे अभी मैगी खाते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चूका से अब खिरद्वार की तरफ हमने ट्रैक शुरू कर दिया है, घने जंगलों के बीच से बूम रेंज सारदा के किनारे किनारे। बहुत ही घना जंगल, बाकी बसंत भाई कहेंगे कुछ अपने पहाड़ी में। बताओ बसंत भाई। जैसे रहे पेड़ पेड़ है रिया और नम पाटल अंताल उन्हें भबरी नहीं है अब चाहिए जानी है बात बहुत जा जाने हैं वही। बीच बीच में पहाड़ी कमेंट्री करते रहेंगे बसंत भाई हमारे भाई भाई पूरा पहाड़ का फील देंगे। पहुँच गए अब यहाँ पर, एक समस्या आ गई है, हमको करना है नदी क्रॉस, कोई पुल वुल है नहीं, तो अब हमको इसको मैनुअली बोले तो पहाड़ी स्टाइल में पार करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। मैं जो है नदी के इस पार आ गया हूँ और सब लोग नदी पार कर रहे हैं। यहाँ पे आगे से नरू सर है और पीछे से आशीष सर है। देखो पानी बहुत ऊपर तक आ जा रहा है, तो हम लोगों ने पैंट भी उतारी हुई है। ये नर्दा आते हुए यहाँ पर हंसते हुए एकदम काफ़ी ज़्यादा ट्रैकर है हमारे नर्दा, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की है उन्होंने। मेरा बनाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी कठिन होता हुआ लेकिन मेरे को लगता है कि नर्दा को थोड़ा नीचे ऐसे क्रॉस करो, ऐसे थोड़ा हैवी है। यहाँ से थोड़ा गहरा ज़्यादा है भाई जी, थोड़ा पतले में जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी समस्या है। बाप रे बहुत बाव है भाई। चलो फाइनली रिवर क्रॉस कर ली। ओहो क्रॉस करने, आहा बहुत ठंडा पानी है भाई जी। ओहो हो हो बहुत ठंडा है भाई जी। और इसको भी हमको क्रॉस करना है। कहाँ रहते हैं लोग ये डेली, हम तो चलो एक दिन के लिए जा रहे हैं, जो डेली जाता है वो कैसे जाता होगा, यहाँ अपना सामान कैसे कैरी करता होगा। बड़ी समस्या है भाई जी पहाड़ों में। बहुत एडवेंचर तो नहीं था, बट विंटर का टाइम है, ठंडा पानी है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो थी कि कपड़े उतारो और नदी में घुस के आ जाओ, रिवर क्रॉस करो। और शायद आई थिंक मुझे फिर से ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी अभी वन वे में ही, तो दो बार अगर अभी क्रॉस किए तो वापसी में भी हमको दो बार फिर से क्रॉस करनी पड़ेगी, और इवनिंग के टाइम तो और ठंडा होगा। ये है शारदा की कोई सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर,
ठीक है, अभी तो अच्छा लगा क्योंकि धूप है, गर्मी सी हो रही थी हल्की, तो अच्छा लगा। देखते हैं अभी क्या क्या डिफ़िकल्टीज और फेस करनी पड़ती है ट्रैक में। मवेशियों का झुंड मिला यहाँ पे नदी किनारे, तो ऐसे पहुँचे। ठंड लग गई मेरे को लगा, क्या बोलता पीछे से मारने को नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ आज की हमारी जर्नी ट्रैक, देखो और क्या क्या एडवेंचर है रास्ते में। देखो यहाँ का सामान्य जीवन कितना कठिन, इतनी बड़ी नदी, ऐसे हम एक बार हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अब यहाँ से हमको फिर से क्रॉस करना है। तो छोटे बच्चों को लेके महिलाओं के साथ कितना कठिन जीवन है यहाँ का पहाड़ का। बैग 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 उठाओ, बैग बिक रहा है, बैग इधर ही है गहरा। और इनको दैनिक जीवन में क्रॉस करना है, हम तो चलो कभी आ रहे हैं आज, इनको अपना डेली रूटीन में ये नदी क्रॉस करनी है, तो कितना फिर से एक, मुझे लग रहा फिर से रिवर क्रॉसिंग ना करना पड़े, तो दिक्कत है। हाँ यहाँ फिर से चट्टान से चढ़ के जाना पड़ेगा हमको, वीडियो बना नहीं पाए हम तो। ऐसे अभी हमने क्रॉस कर लिए फाइनली फिर से, ये देखो जो फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग करी थी हमने, उसमें पानी एक्चुअली तीन धाराओं में डिवाइड था, तो वहाँ पानी कम था, उसमें सिंगल धारा है, तो लास्ट में थोड़ा गहरा था, कपड़े गीले हो ही गए। देखो कैसे बैग गीले हो गए उनके, बड़ा दिक्कत है। क्रॉस करी थी हमने दो बार, अब ये बहुत रिस्की है यार, बहुत रिस्की है भाई जी, वो पत्थर गिरे हुए हैं आराम से। डॉक्टर साहब आए आगे से, बसंत तो मियाँ पता नहीं कहाँ पहुँच गए। हमारे बिल्कुल फॉर्मल सा आगे और दिक्कत हो गई। ये नर्दा ने मारी घुटिक, इतना अच्छा लग गया नर्दा को और मांग रहे हैं सबसे यहाँ पे। ये अभी तक नदी का पानी पी रहे, अभी जल धारा, जल धारा, जल प्रपात पीने का पानी। तो अभी रेस्ट के लिए बैठे हैं, संतरे खा रहे हैं, मूंगफली। हेलो बसंत भाई, क्या हो रहे हैं आप? बढ़िया। तू तो लाल हो गया, इतना खुश क्यों हो रहा था? तो बसंत भाई बहुत एक्साइटेड होते हैं। अभी जाना है, एक घंटे का रास्ता है अभी। मुझे लग रहा है बिटर का नहीं, बात नहीं होती यहाँ। विटामिन सी से इनके हार्मोन एक्टिव हो गए अब।
तो अब पहुंचने वाले हैं, एक घंटे का ट्रैक और है। देखो ये अभी हमको मिल गए बेर, जो कि सबरी ने श्री रामचंद्र जी को खिलाए थे, यहीं से तो नहीं गए थे रामचंद्र जी कहीं वाइल्ड वैरायटी ऑफ। अभी डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में कुछ सर, दो लाइन में सर कुछ बताओ इसके बारे में, इसके जो क्या गुण हैं इसके। शिवरात्रि के त्योहार के दिन जो खाया जाता है, मेडिकल उसका कुछ एंटी हाईली एंटीऑक्सीडेंट कंटेनर, कांटे भी हैं इसमें, ये खा सकते हैं, खराब तो नहीं है, बहुत टेस्टी पके हुए भी हैं एकदम खट्टा खट्टा खट्टा। हां भैया लाल वाला खाओ, लाल वाला मीठा होगा, वाह मीठा हो रहा है, बेर जैसी खट्टी, वाकई बहुत टेस्टी है। आओ वाह, कांटों ने पकड़ लिया है, मजा आ गया। जंगल में भी कुछ मिल सकता है, खेतों में ऐसा भी नहीं, और ये भर भर के पड़ा है, बहुत है यार यहाँ तो, लगता कोई खाता ही नहीं, वाइल्ड एप्पल जैसा लग रहा है बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं, नर्दा आते हुए जंगल में हम भटक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं और साथ में लंगूर भी हमको फॉलो कर रहे हैं, फकीर है झोला टांग के ये सर बिल्कुल स्माइल छोड़ते हुए। हरे जंगल का आनंद लेते हुए एक पगडंडी सी मिल गई हमको जंगल के बीच, खैर का जंगल। अब देखो ये कहाँ लेके जाता है,